दोस्तों बजट है अगर आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का और लैपटॉप लेना चाहते हैं एकदम दमदार जिसके अंदर हो 2 GB का ग्राफिक कार्ड, विंडोज 10, i3 का प्रोसेसर और एकदम लेटेस्ट उसके अंदर 1 TB की हार्ड ड्राइव या 4 GB की रैम, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काफी सारे ऐसे लैपटॉप ढूंढ के लाया हूं जो 20 से 25 हज़ार रुपये में डेफिनेटली आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप प्रोफेशनल है, दोनों ही तौर पे 20 से 25 हज़ार रुपए के अंदर जो मैं लैपटॉप ढूंढ के लाया हूँ आपको जरूर सेटिस्फाई करेंगे। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि 20 से 25 हज़ार की जो रेंज होती है उसके अंदर जो लैपटॉप लेने वाले होते हैं 80% में से वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपना लैपटॉप खरीद रहे होते हैं क्योंकि बिगनिंग रेंज के मतलब एंट्री सेगमेंट के लैपटॉप माने जाते हैं 20 से 25 हज़ार के अंदर, तो उम्मीदें काफ़ी सारी हो जाती है। काफ़ी मल्टीटास्किंग लोग इसके अंदर होते हैं जो म्यूजिक भी सुनना पसंद करते हैं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पर काम भी करते हैं, थोड़ा सा कोडिंग भी करना चाहते हैं, एडिटिंग भी करना चाहते हैं, गेमिंग भी करना चाहते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ऐसे लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा रिसर्च मुझे करनी पड़ी है तब जाके मैं कहीं ऐसे 4-5 लैपटॉप आपके लिए लेके आ पाया हूँ जिसके अंदर आप सारे काम बिल्कुल बिंदास बिल्कुल निश्चिंत होकर कर पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और बीच में आपको देता रहूँगा हमेशा की तरह कुछ टिप्स। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए हम करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन चैनल विद द वाई फैक्टर। सबसे पहला लैपटॉप जो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ वो है HP का 14Q। पूरा मॉडल का नाम मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है कोर i3 का 6th जनरेशन का प्रोसेसर, साथ मिलती है आपको 4 GB की रैम, इसके अंदर आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव मिलेगी। रैम जो है आप 16 GB तक बढ़वा सकते हैं तो यानी कि आपके आगे भी काफ़ी काम आने वाली है। अगर 8 GB या 12 GB या 16 GB आप कल को करवाते हैं तो वो भी आप इसके अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं। HD स्क्रीन इसके अंदर आपको मिलने वाली है 1366x768 पिक्सल के अंदर। 4 सेल की इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी, लिथियम बैटरी मिलने वाली, तो आराम से आप 4-5 घंटे से ज़्यादा का बैकअप इसके अंदर ले पाएंगे। प्रोस की अगर बात करूँ तो सिर्फ 1.7 kg का इसका वेट है। अगर कॉन्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको DVD राइटर नहीं मिलता है तो लाइट वेट इस वजह से थोड़ा सा ही हो जाता है, लेकिन अगर आपका काम एक सिंपल वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट या हल्की फुल्की गेमिंग का है या फिर आप हल्की फुल्की कोडिंग करना चाहते हैं तो इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। HP का ब्रांड है, डेफिनेटली आपको सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। दोस्तों दूसरे अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो वो है लेनोवो का आइडियापैड 320। ये 24,990 रुपये का मॉडल है। इसके अंदर आपको i3 6th जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा जो कि 2.3 GHz की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। 4 GB के अंदर आपको रैम मिलेगी। ये 64-bit के आर्किटेक्चर पे बना हुआ लैपटॉप है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64-bit का है, तो इसके अंदर बड़े आराम से आपके 64-bit के अंदर चलने वाले गेम्स या फिर अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टवेयर बड़े आराम से इसके अंदर आपके रन कर जाएंगे। 1 TB के अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलेगी। 15.6 इंच की आपको HD स्क्रीन इसके अंदर मिलने वाली है। इसके प्रोज की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको एक HD स्क्रीन जो 15.6 इंच की मिलती है, तो न्यूमेरिक कीबोर्ड भी आप बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। 1.69 kg के अंदर वेट मिलता है तो काफ़ी इसके अंदर आपको लाइट वेट मिलने वाला है। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो इसके अंदर 2 सेल के अंदर बैटरी मिलती है तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है। हालांकि कंपनी जो है वो प्रॉमिस करती है कि 4 घंटे का बैटरी बैकअप इसके अंदर मिल जाता है, लेकिन अगर 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है देन इट्स वर्किंग वेरी फाइन। अदरवाइज मेरी ये उम्मीद कहती है लगभग बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम हो सकता है। दोस्तों अगर तीसरे लैपटॉप की बात करूँ जो वन ऑफ माई फेवरेट है, रीज़न ये है उसके अंदर 2 GB का आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है और काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, मतलब कोर i3 का प्रोसेसर मिलता है, तो अगर आप GTA 5 भी खेलना चाहते हैं तो उसके अंदर बड़े आराम से खेल सकते हैं। लैपटॉप का नाम है Asus और सिर्फ 22,000 रुपये में आपको मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपको मिलता है कोर i3 का प्रोसेसर और साथ में मिलता है 2 GB का NVIDIA ग्राफिक कार्ड, 500 GB के अंदर आपको हार्ड ड्राइव मिलती है, DVD और CD दोनों रीड राइट का आपको ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा, 15.6 इंच की HD स्क्रीन्स मिलेगी और लाइट वेट है काफ़ी DVD राइटर होने के बावजूद, ये सिर्फ 1.69 kg का आपको मिलता है। दोस्तों एक बात मैं अगर करूँ तो इसके अंदर आपको जो है 2 GB की रैम मिलती है, ये इसका ड्रॉबैक है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा, आप 4 GB के अंदर एक्स्ट्रा रैम लगवा लीजिएगा, लगभग 2 से 2,500 आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन आपका जो लैपटॉप है वो हो जाएगा दमदार क्योंकि i3 का अगर प्रोसेसर है वो 6 GB का अगर रैम है और उसके अंदर आपको 2 GB का अगर NVIDIA ग्राफिक कार्ड मिल रहा है तो कमाल के परफॉर्मेंस आप ले सकते हैं अंडर 25,000 रुपीज़ में इवन रैम बढ़वाने के बावजूद। तो ये तो एक कमाल धमाल एक मैं कह सकता हूँ कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो सकती है। तो अगर आपका बजट 20 से 25 हज़ार रुपये के रेंज में है और आप गेमिंग भी चाहते हैं साथ में आप एंटरटेनमेंट भी चाहते हैं और आप एडिटिंग वगैरह भी चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को प्रेफर कीजिएगा। Asus का ये लैपटॉप आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन दोनों में मिल जाएगा, लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी ढूंढने में तकलीफ हो तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, सीधा आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे वहाँ पर जहाँ से आपको ये लैपटॉप बड़े आराम से 22,000 रुपये में इस रेंज के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग की जहाँ तक बात हम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर मैंने पहले भी कहा है आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो वेंडर होता है उसकी भी आप रेटिंग ज़रूर देखिएगा। कई बार हम क्या होता है कि हम लैपटॉप की रेटिंग तो देख लेते हैं कि काफ़ी अच्छी है, रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन क्या होता है उस लैपटॉप को पहुँचाने के लिए आपके पास काफ़ी सारे वेंडर्स होते हैं तो उन वेंडर्स की भी रिव्यूज़ ज़रूर देखिएगा। कई बार कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं लैपटॉप तो अच्छा होता है लेकिन वेंडर भेजने वालों के रिव्यूज़ बड़े ख़राब होते हैं, तो आपको पुराना माल ना भेज दें।
या फिर उसको रीपैक करके आपके पास भेज दे, तो ऐसे में रिव्यूज़ उनके भी बनते हैं। तो दोनों रिव्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा, तभी अपना ऑर्डर ऑनलाइन आप प्लेस कीजिएगा। अगले अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ दोस्तों, ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट लैपटॉप है, HP का लैपटॉप है, ब्रांड काफ़ी अच्छा है, सर्विस भी काफ़ी अच्छी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी आफ्टर सेल मतलब आफ्टर जब आपका वारंटी टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद बड़ी ईजिली इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। काफ़ी सारे ब्रांड्स में मैंने देखा है कि दिक्कत आती है आफ्टर सेल के बाद, पार्ट्स अगर एक वारंटी पीरियड के बाद खत्म हो जाते हैं तो पार्ट्स मिलने काफ़ी बंद हो जाते हैं, खासकर जो चाइनीज़ ब्रांड्स होते हैं उनके तो समझ के चलिए कि आपको ब्रांड्स के बाद में आपको पार्ट्स मिलते ही नहीं है, लेकिन HP का पार्ट मिलना बड़ा आसान है अगर कोई दिक्कत आ जाए तो। अगले अगर मैं लैपटॉप की बात करूँ तो वो है HP का 15Q, 24,990 रुपये का ये मॉडल है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड जेन्युइन 64-bit विंडोज 10 मिलने वाली है, 2GB का इसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड मिलने वाला है, 15.6 इंचेस की आपको HD LED ब्राइट व्यू डिस्प्ले आपको मिलेगा, CD DVD दोनों का ऑप्शन मिलने वाला है, मतलब CD रीड राइट कर सकते हैं, DVD भी रीड राइट कर सकते हैं। फुल साइज़ का आपको कीबोर्ड सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों फुल साइज़ कीबोर्ड के अंदर क्या होता है, कई बार आपको जब कैलकुलेटिव कुछ काम करने होता है ना, साइड में जो अलग से आपका न्यूमेरिक पैड होता है बड़ा काम आपका आता है, खटखट फटाफट आपके न्यूमेरिक काम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली 15.6 इंच का बड़ा डिस्प्ले है और साथ में न्यूमेरिक पैड आपको फुल साइज कीबोर्ड मिल रहा है तो डेफिनेटली वो आपको एक एच देने वाला है, और 2GB ग्राफिक कार्ड तो डेफिनेटली आपको एक एच देगा ही देगा। इसके अंदर आपको मिलता है AMD का 7th जनरेशन का प्रोसेसर जो कि 3 GHz की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, लेकिन आप टर्बो बूस्ट करके इसको 3.7 GHz की फ्रीक्वेंसी तक रन कर सकते हैं। 4GB इसमें आपको रैम मिलेगी जिसको आप 16GB तक बढ़वा सकते हैं, तो आने वाले टाइम में भी आपके काफ़ी काम आ सकता है, तो अगर 4GB तो 8GB 12GB 16GB तक आप इसको बड़े आराम से ले जा सकते हैं। 4 सेल की अंदर आपको बैटरी मिलेगी तो बड़े आराम से आप 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप बहुत ही इत्मीनान से आप ले सकते हैं। ये एक वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों, और ये सेगमेंट है ही उनके लिए जो वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो 20 से 25 हज़ार रुपये का अगर आपका बजट है तो ये मैं बड़े ही मुश्किल से मतलब छाट के आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके मैं आपके लिए लैपटॉप लेके आया हूँ। चारों ही लैपटॉप काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन 2 लैपटॉप हैं जिनमें 2GB का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, एक HP का है और एक आपका ASUS का है, तो इन अगर आप थोड़ा गेमिंग का शौक रखते हैं, एडिटिंग का ज़्यादा शौक रखते हैं तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। इन दोनों लैपटॉप के अलावा बाकी चारों वैल्यू फॉर मनी है। जब मैं वीडियो बना रहा था दोस्तों तो मुझे एक चीज़ काफ़ी अजीब सी लगी, मैंने काफ़ी सारे अलग से वीडियो देखे क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको किसी भी तरीके का ऐसा लैपटॉप बता दूं जो फिर वैल्यू फॉर मनी ना हो या फिर बाद में आपको लगे कि यार मेरे को गलत सजेशन दे दिया, तो मैंने काफ़ी जगह सर्च करा और मुझे देख के बड़ा दुख हुआ कि कुछ लोगों ने सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर 20 से 25 हज़ार के लैपटॉप में जो है सेलेरॉन जैसे प्रोसेसर जो है दे रखे हैं, ड्यूल कोर जैसे प्रोसेसर जो है दे रखे हैं, और वो कोई छोटे मोटे यूट्यूबर्स नहीं है दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े जिनके मतलब कि मैं क्या बताऊँ मतलब जिनके 5-5, 10-10 लाख फॉलोअर्स हैं उन्होंने ऐसे लैपटॉप बता रखे हैं लोगों को कि आप ये लैपटॉप सेलरॉन का ले लीजिए, फिर 11 इंच का आप 11 इंच के लैपटॉप में लैपटॉप बोलूँगा 11 इंच की स्क्रीन वाले को मतलब चलिए छोड़ दीजिए इस बात को, लंबा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप समझिएगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप प्रोफेशनली भी उसको यूज़ करना चाहेंगे बिकॉज यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर लाइफ ऑल्सो। सो और लैपटॉप कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना दोस्तों कि आपने आज खरीदा कल चेंज कर देंगे, या आप जब खरीदते तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते होंगे इसलिए खरीदते होंगे सॉरी तो मैंने काफ़ी ध्यान रखा है इस चीज़ का कि अगर आपने आज लैपटॉप खरीदा तो उसको अपग्रेड भी किया जा सके और उसको अच्छे तरीके से यूज़ भी किया जा सकता है, साथ में मल्टी टास्किंग उसके अंदर बड़ी ईजिली हो पाए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।